NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को. NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा बेटा पटना. नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट. मैं हूं अनामिका सिंह. बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के अंतिम दिन सीएम नीतीश कुमार ने बिहार की बाढ़ पर सदन में बोलते हुए कहा कि बाढ़ पीड़ितों के खाते में तुरंत 6000 रुपए की राशि भेजी जाएगी. सीएम ने कहा कि सरकार बाढ़ को लेकर पूरी तरह गंभीर है. बाढ़ प्रभावितों तक राहत पहुंचाया जा रहा है और जगह जगह राहत शिविर लगाए गए हैं. उन्होंने कहा कि जिन जिलों में बाढ़ आई है वहां के डीएम के साथ बैठकर जानकारी ली जा रही है. वहीं केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों से अपना मंतव्य पूछा है. हमने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख दिया है, उन्हें बिहार में बाढ़ के हालत की जानकारी मुहैया कराई है. बाढ़ सुखाड़ के कारण एक महीने का समय मांगा गया है. सीएम नीतीश कुमार ने सबके सामने ऐलान किया कि बाढ़ पीड़ितों के खाते में 6000 रुपए तुरंत दिए जाएंगे. वहीं उत्तर बिहार, कोसी और सीमांचल बाढ़ नए इलाके में लोगों की मुश्किलें बढ़ाने लगा है. उत्तर बिहार में गुरुवार को भी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त रहा. वहीं नदियों के जलस्तर में वृद्धि जारी है. चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा और मुजफ्फरपुर जिले के सैकड़ों गाँव में बाढ़ का पानी घुस आया है. तो दर्शकों, ये खबर आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें. अपना प्यार और विश्वास बनाए रखें. धन्यवाद. यहाँ पढ़ते हैं भविष्य की मजबूत नींव. हम मिलकर बनाते हैं बेहतर कल. गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, आपके बेहतर कल के लिए. क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं स्वास्थ्य केयर मोबाइल ऐप के द्वारा. अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222. स्वास्थ्य केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स.